करण, अभी तक उन गुंडों की आवाजें मेरे कानों में आ रही हैं। पता नहीं अचानक कहां से आ गए। मेरी तो कपकपानी नहीं रुक रही है। भाभी, भाभी प्लीज, आज जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। जिनके साथ भगवान होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी नहीं। और भाभी, जिंदगी में कभी कभी कोई बहुत बुरी बला टालने के लिए ऐसे छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं, प्लीज भूल जाइए इसे। कैसे भूलूं करण, कैसे भूलूं? अगर आज कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं बचती। भाभी, भाभी प्लीज, प्लीज भाभी ऐसी बातें मत कीजिए। आज आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत का दिन है। आज एक नए रिश्ते का जन्म होने वाला है। आज मरने माने की बातें मत कीजिए भाभी प्लीज। तुम जानते हो ना कि मेरे लिए हर रिश्ता अहमियत रखता है। आप मेरी जिंदगी में लक्ष्य की क्या अहमियत है तुम जानते हो। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं लक्ष्य को कैसे मुंह दिखाती। भाभी प्लीज, प्लीज भाभी मेरी बात मान लीजिए और आज जो कुछ भी हुआ उसे बुरा ख्वाब समझ के भूल जाइए। करण, अब मैं ही घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम सबके लिए तो मैं पराई हो जाऊंगी। भाभी, आप हमारे लिए कभी पराई हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। और मान लीजिए शादी के बाद भी भगवान न करे अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई बुरा वक्त आया, तो आप मुझे आपके साथ ही पाएंगी हमेशा। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए, वैसे भी काफी देर हो चुकी है।